नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश, जो कि भारत की आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था और पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा वहाँ पे जो अत्याचार और जेनोसाइड किए गए, उसकी वजह से भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ और अपनी आइडेंटिटी के आधार पर एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में ज्यादातर बंगाली भाषा बोली जाती है और वो इतिहास में भारत के पश्चिम बंगाल का ही एक हिस्सा रहा है, इसलिए वहाँ की जो कल्चर है वो पश्चिम बंगाल से ज्यादा मिलती जुलती है। और बांग्लादेश के एक स्वतंत्र देश बनने के बाद से भारत के साथ उसका रिलेशन लंबे समय तक अच्छा ही रहा है, बीच बीच में कभी उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं। लेकिन हाल के समय में एक चीज बांग्लादेश में नोटिस की जा रही है, वो है एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स। मालदीव्स की तरह बांग्लादेश में भी भारत के अगेंस्ट इंडिया आउट कैंपेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि ये बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन किस प्रकार का है, ये कब से शुरू हुआ है और इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस कैंपेन को चला रहे हैं और इसका भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो देखिए, ये जो इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स की तर्ज पे बांग्लादेश में चलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये सब शुरू होता है बांग्लादेश में इस साल जनवरी से, क्योंकि इस साल बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हुए थे और उसमें जो बांग्लादेश में एक पार्टी है आवामी लीग, जिसकी लीडर है शेख हसीना, उनकी पार्टी ने इस चुनाव को बंपर बहुमत से जीता। इस चुनाव में आवामी लीग को बांग्लादेश में लगभग 75% सीटें प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, वो इस चुनाव के विरोध में थी और उसने इस चुनाव का बाइकॉट किया था। तो बांग्लादेश के इस चुनाव में शेख हसीना की जीत के साथ ही जैसे ही ये तय हो जाता है कि बांग्लादेश की अब अगली प्रधानमंत्री फिर से शेख हसीना बनने वाली है, तो उसके बाद से ये जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो उसके द्वारा एक एंटी इंडिया कैंपेन स्टार्ट कर दिया जाता है। बांग्लादेश में सोशल मीडिया में जो इस पार्टी के फॉलोअर्स हैं, जो इस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, तो उनके द्वारा एक बड़े स्केल पर इस कैंपेन को लॉन्च किया जाता है, जो होता है इंडिया आउट कैंपेन। अब इस इंडिया आउट कैंपेन के बांग्लादेश में चलाने के पीछे कारण ये है कि ये जो अपोजिशन पार्टी है, ये मानती है कि बांग्लादेश में ये जो चुनाव हुआ है उसमें जो आवामी लीग की जीत हुई है वो भारत की वजह से हुआ है। भारत के द्वारा आवामी लीग को सपोर्ट के कारण ही आवामी लीग ने बांग्लादेश के इस चुनाव में जीत दर्ज की है। तो इसलिए अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को इससे एक खतरा पैदा होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये जो बांग्लादेश में अपोजिशन पार्टी है वो बांग्लादेश में चुनाव का विरोध क्यों कर रही है और वो इस तरीके का आरोप क्यों लगा रही है कि वो भारत के सपोर्ट से आवामी लीग बांग्लादेश में पावर में आई है और उसकी वजह से इंडिया आउट कैंपेन क्यों चलाया जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि साल 2024 डेमोक्रेसी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि इस साल एक साथ पूरी दुनिया के 70 देशों में जो कि डेमोक्रेसी हैं, उनमें चुनाव होने हैं और उसी में से एक देश था बांग्लादेश, जिसमें जनवरी में चुनाव थे। और इसी में पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी का एक चैंपियन देश है अमेरिका, जो हर देश को यह सुझाव देता रहता है कि उस देश में किस तरीके से चुनाव होना चाहिए और किस तरीके से उस देश में डेमोक्रेसी फंक्शनल रह सकती है। तो फिलहाल जिस तरीके से भारत के चुनाव में अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जब जनवरी में बांग्लादेश में चुनाव थे, तो उससे पहले अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश के चुनाव में भी इंटरफेरेंस किया जा रहा था। बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि इनके इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, इससे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को एक खतरा है। इवन अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को सैंक्शंस तक की धमकी दी गई थी, यानी बांग्लादेश के ऊपर पुरजोर तरीके से दबाव बनाने का प्रयास था कि बांग्लादेश में चुनाव उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से अमेरिका चाहता है। अब आप सोचिए कि जब ये अमेरिका जैसे देश भारत जैसे बड़े देश को, बड़ी डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर चुनाव में दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये बांग्लादेश जैसे छोटे देशों के ऊपर कितना प्रेशर बनाते होंगे। इसके अलावा ये जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इस पार्टी का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ बहुत ज्यादा है। इवन पाकिस्तान के फॉर्मर ISI के चीफ ने भी इस बात को कबूल किया है कि बांग्लादेश के साल 1991 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया गया था, उसको फंड किया गया था ताकि वो पावर में आए बांग्लादेश में। इसके अलावा जो बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और उनकी जो पार्टी है आवामी लीग, उनके द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि ये जो BNP पार्टी है उसने बांग्लादेश में साल 96 और 2001 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान से सहयोग लिया था। पाकिस्तान के सहयोग से ही ये पार्टी बांग्लादेश में पावर में रही है। इसके अलावा इस पूरे रीजन में एक और देश है चीन, जिसका बांग्लादेश में प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि चीन बांग्लादेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एड चीन से बांग्लादेश को आते हैं।
इसके अलावा चीन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में आती है। लेकिन ये जो अवामी लीग पार्टी है जिसको लीड कर रही है शेख हसीना, वो इस चीज को लेकर के लंबे समय से भारत और चीन के बीच में एक बैलेंस बना करके चलती है। तो वहीं हम बात करें भारत की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भी इस समय रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ जियोग्राफिकली कनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच में ये जो एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी है वो भी काफी अच्छी मात्रा में है। जहां बांग्लादेश में भारत से बड़ी मात्रा में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो वहीं भारत की तरफ से बड़ी मात्रा में बांग्लादेश को एड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बांग्लादेश की इकोनॉमी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो भारत से लिंक है, क्योंकि भारत में इकोनॉमिकली जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसका प्रभाव बांग्लादेश में देखने को मिलता है। बांग्लादेश भारत से काफी अच्छी मात्रा में फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है। साल 2022 में बांग्लादेश ने भारत से लगभग $16 बिलियन तक के फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का इंपोर्ट किया था, जो कि बांग्लादेश के लिए काफी इसेंशियल है। क्योंकि यहाँ पर भारत में यदि इनमें से किसी भी चीज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाता है तो उसका सीधा प्रभाव बांग्लादेश के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से कल्चरली बहुत ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि एक समय पर वो पश्चिम बंगाल का ही एक पार्ट हुआ करता था। इसलिए दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर मेडिकल टूरिज्म में भी बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। भारत में जो भी लोग पूरी दुनिया से मेडिकल टूरिज्म पे आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो है बांग्लादेशियों का। मेडिकल टूरिज्म में जो भी लोग अपना इलाज करवाने के लिए दुनिया भर से भारत में आते हैं उनमें से अकेले 54% केवल बांग्लादेश से आते हैं। तो बांग्लादेश के लिए भारत एक प्राइमरी मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन है। तो जो इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं उसके पीछे का कारण ये है कि भारत में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इसके अलावा भारत में जो इलाज होता है वो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में होता है, इसलिए ज्यादातर बांग्लादेशी इलाज के लिए भारत को प्रिफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश का भारत के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बांग्लादेश की भलाई के लिए ही है। और ये जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी के द्वारा बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार का होना ये भारत के हित में है, क्योंकि आवामी लीग भारत और चीन के बीच में एक बैलेंस बना करके चलती है और पाकिस्तान का उसके ऊपर कम प्रभाव है। और ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन का प्रभाव न बढ़े। क्योंकि बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है, इसलिए यहाँ पर यदि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का प्रभाव बढ़ता है तो ये भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। तो जरूरी है कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार रहे जो भारत के इन सुरक्षा चिंताओं को समझे। तो ये जो बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन अपोजिशन पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा था उसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी बयान आया है, और उन्होंने अपोजिशन पार्टी के लीडर से ये कहा है कि यदि वो सच में इंडिया आउट कैंपेन देश में चलाना चाहते हैं, इंडिया आउट कैंपेन में बिलीव रखते हैं, तो सबसे पहले इन नेताओं को भारत के सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए, भारत से जो भी चीजें आयात करके उसका यूज करते हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। ये जो अपोजिशन लीडर हैं जो इनकी पत्नियां भारत से आयात की हुई साड़ियां पहनती हैं उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, और जो बांग्लादेश के किचन में भारतीय मसालों का यूज होता है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो शेख हसीना की तरफ से इस इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर अपोजिशन लीडर्स को एक आईना दिखाया गया है कि बांग्लादेश की भारत के ऊपर जो डिपेंडेंसी है तो आप उसकी क्षतिपूर्ति कहीं और से नहीं कर सकते हैं। यदि आप कहीं और से इस क्षतिपूर्ति को भरने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए आपको अपनी सोवरेनिटी से भी समझौता करना पड़ेगा। तो देखिए, जो बांग्लादेश में भारत के अगेंस्ट एंटी इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है इसमें निश्चित रूप से डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें तो पाकिस्तान की ISI निश्चित रूप से इन्वॉल्व है, अमेरिका और चीन के इन्वॉल्वमेंट को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि चीन इसमें बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश में कई पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक पूरी लॉबी है जो बांग्लादेश में भारत के अगेंस्ट काम कर रही है। हालांकि इस कैंपेन का बहुत ज्यादा असर भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस पर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस कैंपेन से बांग्लादेश की आम जनता जुड़ी नहीं है। और इसको लेकर के भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी यही बयान है कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत मजबूत हैं, भारत का बांग्लादेश के साथ सभी सेक्टर्स में कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, ट्रेड की बात हो, या इन्वेस्टमेंट की बात हो, या डेवलपमेंट, या कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, या पीपल टू पीपल कोऑपरेशन की बात हो, हर मामले में बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो ये जो बांग्लादेश में भारत के अगेंस्ट मालदीव की तर्ज पर इंडिया आउट कैंपेन चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया आउट कैंपेन के जरिए मालदीव्स में मोहम्मद मुजू ने मालदीव्स में सरकार बना पाने में कामयाबी हासिल की,
और उसी की तर्ज पे जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो इसको करने का प्रयास कर रही है उस पर आपके क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।